जय हिंद स्टूडेंट। इन प्रीवियस क्लास वी सी द चैप्टर टू आई इंट्रोड्यूस यू अबाउट द अर्लीस्ट सोसाइटीज इन विच यू स्टडी अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड, द मिसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। ओके, there are three topics are illustrated by me. Today we see the next headings of this chapter: stone tools, artifacts and their usage. आज हम देखेंगे stone tools, जो पत्थर के औजार होते थे early humans के पास, वो देखना है और उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं टूल्स में। स्टोन टूल है जिसमें हैंड एक्स फर्स्ट है। हैंड एक्स मतलब हाथ का कुल्हाड़ी। इट वाज अ पियर शेप्ड टूल विथ शार्प एज एंड साइडेड। इट वाज यूज्ड फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, फॉर द स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स, किसी भी चीज़ को काटने के लिए। ठीक है, शार्प एज का एक कुल्हाड़ी होता था जो हैंड से काम करते थे, जिसको हाथ का कुल्हाड़ी बोला जाता है। उसमें अलग से कोई बेस और सपोर्ट नहीं होता था। नेक्स्ट है चॉपर। चॉपर मीन्स किसी भी चीज़ को कतरने वाला। ठीक है, तो जैसे कोई जानवर वगैरह एनिमल्स वगैरह उसका जब हंटिंग करते थे अर्ली मैन, तो वो क्या करते थे, इसी चॉपर से फ्लैश को जो मीट होते थे उसको चॉप करते थे, यानी छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते थे। नेक्स्ट है क्लीवर। ठीक है, क्लीवर चीज टाइप एज होता था इसमें, चीजल टाइप, जो दूसरे पत्थरों को काटने के काम आता था और पेड़ों को काटते थे। इससे दूसरे पत्थरों को तराशना, पेड़ों को काटना, इन सभी कामों में लिया जाता था। उसके बाद है स्क्रैपर। स्क्रैपर जो स्किन्स होते थे एनिमल के, उसको क्लियर करने में यूज करते थे। बज नेक्स्ट है टूल्स। बज है जो जमीन में गड्ढा खोदने के लिए उसका यूज किया जाता था, पत्थर का औजार होता था, लंबा और नुकीला, जिसको हाथ से ही खोदते थे, यानी कि जो खुरपी टाइप्स होता है। मीन्स एरो अहेड, इट वाज यूज्ड टू किल रनिंग एनिमल्स। एरो हेड भाला टाइप का एक बनाया जाता था पत्थर का औजार, जिसको क्या करते थे, दौड़ते हुए एनिमल्स को दौड़ा कर उससे मार दिया जाता था, जो उनके शरीर में घुस जाता था या काफ़ी नुकीला होता था। इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वीपन्स। फ्लिंट इज अ हार्ड स्टील ग्रे स्टोन विच इज स्टोन एज मैन यूज फॉर मेकिंग हिज टूल्स एंड द वीपन्स। अब जो है, जो अर्ली ह्यूमंस थे वे पत्थरों के ही औजार बनाते थे, पत्थर्स को यूज करते थे टूल्स के रूप में। ठीक है, यह काफ़ी मेहनत वाला काम होता था। बहुत ही मेहनत के बाद जो है इसको बनाया जाता था और एक शेप दिया जाता था, जिससे वे अपना कई तरह के काम करते थे, जिसमें जिसे चॉपर का काम, नाइफ का काम, हैंड एक्स, फ्लैक इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, धीरे धीरे जो है ये कई जगहों पर जो है औजार बनाने के लोग सीख गए थे जो अर्ली मैन थे, और मिट्टी के अंदर कई जगहों पर इनके अवशेष फॉसिल्स जो हैं पाए गए हैं खुदाई में। इनसे इसके मदद से जो टूल्स होते थे पत्थर के, उनसे क्या करते थे, वो एनिमल्स का हंटिंग करते थे, शिकार कर लेते थे, और लकड़ी को काटते थे, पेड़ को काटते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है डेवलपमेंट हुआ, और उसमें जो पत्थर का औजार बनाए थे उसमें लकड़ी का बेट लगाना शुरू कर दिए, जिससे काम करने में और आसानी हो जाए।
नेक्स्ट हेडिंग है क्लॉथ्स एंड शेल्टर, कपड़ा और रहवास, रहन सहन। अब ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में लिखा हुआ है। द प्राइमिटिव मैन्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज वाज गाइडेड प्योरली बाय हिज फिजिकल नीड। अब जो अर्ली मैन थे वो उनका जो भी फिजिकल नीड होता था, जो भौतिक ज़रूरत होता था, आवश्यकता होता था, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, अपना कार्य करते थे, कोई भी काम करते थे। जब इनको भूख लगता था तो ये खाने का तलाश करते थे, भोजन के खोज में निकलते थे, और जब ठंड लगता था तो किसी चीज़ से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करते थे। अब जिसमें जब शरीर ढकते थे तो लीव्स होते थे, पेड़ों के छाल पत्ते और जानवरों के स्किन्स होते थे, जिनसे ये अपना शरीर ढक लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ फायर। इट वॉज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज दैट द प्राइमिटिव मैन डिस्कवर्ड फायर। मतलब लगभग जो है ओल्ड स्टोन एज के लास्ट में जो है फायर का आविष्कार हो चुका था, डिस्कवरी हो गया था। बर्निंग ऑफ फायर कुड बी यूज टू कीप हिम अवे इन द कूल सीजन कोल्ड सीजन एंड गेट लाइट इन हिज केव एंड स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स एट नाइट। अब आग जो है शुरू में जानवरों को भगाने के लिए यूज़ किया जाता था और ठंड से बचने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि भोजन जो है पकाने पर मांस पक जाता है आग में तो और भी टेस्टी और मुलायम लगता है। तो बाद में उन्होंने क्या किया था, न्यू स्टोन एज में, मतलब मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। आर्ट ऑफ अर्ली मैन। अब जो अर्ली मैन होते थे गुफाओं में रहते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, गुफाओं के दीवारों पर चित्रकारी करते थे, जिसमें वो छोटा मोटा कोई पेंटिंग बनाते थे, जो चीज़ देखते थे, जानवर पेड़ पौधे शिकार करने का जो मेथड होता था, वो जो औजार होते थे उनके पास, हथियार, इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, दीवार पर खुरच कर पेंटिंग करके या किसी भी तरह से ये उनका डिज़ाइन बना दिया करते थे, जिसमें बाइसंस बियर हॉर्स स्टेज हर्ट्स ऑफ द एनिमल्स, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल सकता है, देखा जा सकता है। बहुत सारे पुराने दीवार हैं, गुफाएं हैं बहुत जगह पर जिसमें इनके अवशेष पाए गए हैं। रिलीजन बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन, उनके पास रिलीजन क्या था। नेक्स्ट हेडिंग है इट वॉज आफ्टर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट द पैलियोलिथिक मैन डेवलप सर्टेन रिलीजियस बिलीफ। अब जो पैलियोलिथिक मैन थे वो यानी पूरा पाषाण काल में वो दैवीय शक्तियों पे भरोसा करते थे। ही वर्शिप हिज एंसेस्टर्स आफ्टर हेयर डेट, वे पूजा करते थे, कोई उनका मर जाता था साथ का आदमी तो वे जादू में भरोसा करते थे। वे क्या करते थे, डेड बॉडी को दफना दिया करते थे, और जब बिजली चमकता था तो वे डर जाते थे, उनको लगता था कि कोई जो है हमसे देवता हमारा नाराज है। अर्ली स्टोन एज साइट, नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली स्टोन एज साइट चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। द फॉलोइंग मैप शो द डिफरेंट साइट्स वेयर द गुड गैदर्ड लाइव। अब यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि जहाँ ये जो अर्ली मैन होते थे एक साथ रहते थे ग्रुप में, या जहाँ पर इनके अवशेष मिले हैं। इसका इनका हैबिटेशन साइट्स है ये स्टोन टूल वॉस इम्पोर्टेंट सम दिस साइट्स वर द प्लेस वेयर स्टोन इज इजली अवेलेबल ऑन द पेयर वेयर पीपुल कुड मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर जो है आसानी से इनके औजार या उनके कुछ अवशेष पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है फैक्ट्री साइट भी इसको बोला जाता है, जहाँ पर इनके औजार का प्रोडक्शन होता था, बनाते थे, निर्माण करते थे। ठीक है, तो केस स्टडी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक भारत का नक्शा है, मैप है, जिसमें जो रेड रेड स्पॉट दिया हुआ है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अर्ली मैन रहते थे और यहाँ से उनके कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 2 कम्प्लीट हो गया, और एक्सरसाइज में जो है फिल इन द ब्लैंक्स
टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आपको सेल्फ कर लेना है, बाकी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो या क्लास में ऑनलाइन टीचिंग ऐप पे पढ़ा दिए जाएंगे, लिखवा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।